हाय फ्रेंड्स, मैं निकिता। आज मैं आपको ये प्यारी सी एक स्वेटर बनाना बताऊंगी। ये फुल स्वेटर है, ये एक लेडीज़ की फुल स्वेटर है। वैसे इस डिज़ाइन से अगर आप चाहें तो जेंट्स और बच्चों की स्वेटर भी बना सकती हैं। ये स्वेटर मिलेनियम यार्न से बनी है, वर्धमान मिलेनियम यार्न से बनी है, जो 4-ply यार्न है। इस यार्न से बॉर्डर 9 नंबर की सिलाई पर बनाई हूँ और ये पूरी स्वेटर इसकी बॉर्डर 11 नंबर की सिलाई पर बनी है और ये पूरी स्वेटर 9 नंबर की सिलाई पर। इस स्वेटर की पूरी लंबाई यहाँ पर से इसके कंधे के ऊपरी भाग से नीचे तक ये 26 इंच की है। 26 इंच की ये पूरी इसकी लंबाई है। और इसकी पूरी चौड़ाई ये 20 इंच की है। 20.5 इंच की तैयार है ये। पल्ला इसका 21 इंच का बना है। इसका अगला पल्ला डिज़ाइन के कारण थोड़ी सी ये छोटी हो गई है, लेकिन पहनने के बाद इसकी चौड़ाई 21 इंच की तैयार आती है। पल्ले की चौड़ाई आती है 21 इंच, जो सिलने के बाद 20.5 इंच लगभग होती है इसकी। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं इसकी बॉर्डर का बताऊंगी, पिछला पल्ला कैसे बना है और उसका बॉर्डर कैसे बना है। इसके पिछले पल्ले में यहाँ पर 115 फंदे ली हूँ। 115 फंदे लेने के बाद यहाँ पर 2 सीधा और 2 उल्टा के क्रम में ये पूरी फर्स्ट रो बनाई हूँ, पहली पंक्ति बुनकर कंप्लीट की हूँ और सेकेंड रो भी इसी ढंग से बुनेंगे। बस ये ध्यान देना है कि जहाँ पर सीधा है वहाँ पर सीधा बुनेंगे और जहाँ पर उल्टा है वहाँ पर उल्टा बुनेंगे। इस तरह से 2 सीधा और 2 उल्टा बुनते हुए दूसरी पंक्ति भी कंप्लीट करेंगे और इस तरह से पूरी 22 पंक्तियाँ बनाएंगे। 22 रोज 22 पंक्तियाँ बुनने के बाद इसकी लंबाई लगभग 2.5 से 3 इंच की होती है। इसे अभी मैं नाप कर भी देख लेती हूँ। ये लगभग 2.5 से 3 इंच के बीच है। ये 3 इंच से थोड़ी सी कम है। वैसे भी बड़े लोगों की स्वेटर 2.5 से 3 इंच तक की अच्छी लगती है। स्वेटर की बॉर्डर 2.5 से 3 इंच की ही अच्छी लगती है। ये बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद अब ऊपर में 5 फंदों को बढ़ाएंगे बिल्कुल बराबर दूरी पर और इस तरह से 120 फंदों पर ऊपर में इसे बुनना शुरू करते हैं 9 नंबर की सिलाई पर। ये पूरा पिछला पल्ला सीधा और उल्टे के क्रम में ही बुनी हूँ। सीधी तरफ से ये सीधा बुनेंगे और उल्टी तरफ से यहाँ पर उल्टा बुनेंगे। जब नीचे से मुड्डे तक की लंबाई, जहाँ से मुड्डे को घटाएंगे वहाँ तक की लंबाई पूरी 18 इंच होनी चाहिए। यहाँ से नापने के बाद यहाँ तक ये 18 इंच की लंबाई है। ये 18 इंच की लंबाई पूरी होने के बाद यहाँ पर मुड्डे को घटाएंगे। यहाँ पर 18 इंच के बाद दोनों ओर यहाँ पर मुड्डे को घटाई हूँ, बिल्कुल एक जैसा दोनों ओर घटाएंगे। यहाँ पर शुरू में 6 फंदे घटाएंगे, फिर इधर से बुनते वक्त शुरू में 6 फंदे घटाएंगे। हमेशा बुनते वक्त शुरू में ही फंदे को घटाना है।
फिर इधर से बुनते हुए 3 फंदों को घटाएंगे, इधर से भी फिर बुनते वक्त 3 फंदों को घटाएंगे और फिर एक एक फंदों को दोनों ओर घटाएंगे। पूरे 10 फंदे इधर से और 10 फंदे इधर से घटाने के बाद फिर से सीधा और उल्टा बुनते हुए इसे ऊपर की ओर बुनेंगे। यहाँ से मुड्डे की जहाँ से घटाई हुई है वहाँ से ऊपर तक की पूरी लंबाई ये 8 इंच की है और नीचे 18 इंच की है, तो ये पूरी लेंथ 26 इंच की होगी। ये लेडीज़ की स्वेटर है, इसलिए लेडीज़ की स्वेटर में मुड्डे के घटाने के बाद फुल स्वेटर 8 इंच की लंबाई काफ़ी सही होती है, क्योंकि इसमें बॉर्डर नहीं बनते हैं और बाजू जुड़ते हैं। अगर हाफ़ स्वेटर बनती है तो थोड़ी अधिक देनी पड़ती है इसकी लंबाई, लेकिन फुल स्वेटर में 8 इंच बिल्कुल सही होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पिछले पल्ले में बताना चाहूँगी कि कंधे के लिए दोनों ओर मुझे लगभग 5 इंच सही रहता है। 5 इंच यहाँ पर मैं 25 फंदे रखी हूँ कंधे पर, इधर भी और इधर भी, और बीच में गले के लिए 50 फंदे रखी हूँ। पहले भी बताई हूँ इस पूरे पल्ले में 120 फंदा है, जिसमें 10-10 फंदे दोनों ओर मुड्डे में घटे हैं, तो पूरे 100 फंदे बचेंगे। 100 फंदे में 25 और 25 कंधों के लिए छोड़ेंगे और बीच में ये 50 फंदे रखी हूँ बीच में गले के लिए, तो ये 8 इंच पूरी होने के 4 सिलाई पहले बीच के सारे फंदों को उतार लेंगे सिलाई पर, और फिर 4 फंदे ये कंधे का ऊपर से बुन लेंगे और इधर भी बुन लेंगे, क्योंकि एक ये सीधा बुनने से स्वेटर पहनते वक्त ये पीछे काफ़ी चुभती है, बिल्कुल ये स्ट्रेट सा फीलिंग होता है, इसलिए हल्का सा कर्व देने के लिए 4 सिलाई पहले यहाँ पर फंदे को उतार लेंगे। पिछले पल्ले का गला का पार्ट ये 50 फंदों को, उसके बाद कंधे के 25-25 फंदों को भी सिलाई पर उतार लेते हैं, और ये पिछला पल्ला कंप्लीट है। अब अगला पल्ला, ये अगला पल्ला है। अगले पल्ले में भी बिल्कुल पिछले पल्ले की तरह ही बॉर्डर बनाएंगे। इसमें मैं वैसे ही नीचे में 115 फंदे ली हूँ। 115 फंदे लेने के बाद 22 सिलाई यहाँ पर बॉर्डर बुनूँगी। 22 सिलाई बॉर्डर बुनने के बाद यहाँ पर बराबर दूरी में 5 फंदों को बढ़ाकर ये 120 फंदों पर यहाँ पर डिज़ाइन को सेट करेंगे। इस डिज़ाइन की पूरी मैं अलग से वीडियो बनाई हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप इस डिज़ाइन को, उस वीडियो को देखकर आप इस डिज़ाइन को यहाँ पे सेट कर लें। ये सिर्फ एक बार अगर आप सेट कर लेते हैं तो सिर्फ उसी रो में हर बार बनेगी। यहाँ पर मैं पूरी स्वेटर में डिज़ाइन दी हूँ। ये डिज़ाइन की पूरी 6 पंक्तियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पंक्तियाँ डिज़ाइन की दी हूँ। आप चाहें तो कम भी दे सकती हैं इसमें, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान दें कि इसमें अगर पूरी स्वेटर में देना चाहते हो तो बीच में पूरी डिज़ाइन दी हूँ और साइड में इस ढंग से भी आप सेट कर सकती हैं, और इसे भी डिज़ाइन डालते हुए पूरे 18 इंच की लंबाई तक बुनेंगे जहाँ पर पिछले पल्ले का मुड्डा घटाई हूँ, पिछले पल्ले के मुड्डे घटाने तक इसे बुन लेंगे। और अब यहाँ पर दोनों ओर मुड्डे को घटाते हैं। इसमें भी मुड्डे में 10-10 फंदे ही घटाएंगे दोनों ओर से, ठीक उसी ढंग से घटाएंगे, 6 3 1
और उधर से भी 6-3 इंच घटाने के बाद फिर 8 इंच की लंबाई पूरी होने तक ये बनेगी, लेकिन उसके पहले इसमें गोल गला घटाते हैं। तो ये पूरी 8 इंच की लंबाई पूरी होने के 4 इंच पहले ये गोल गला घटाते हैं। मुड्ढे घटाने के बाद आप 4 इंच यहाँ तक बना लें, उसके बाद गोल गले को घटाएंगे। यहाँ पर गोल गले को घटाने का तरीका है, कंधे के 25-25 फंदे को छोड़कर बीच के 50 फंदे हैं यहाँ पर, इन 50 फंदों को यहाँ पर गोल गले में घटाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 20 फंदों को एक साथ घटाऊंगी बीच के बिल्कुल मिडिल के, जिसमें 10 फंदे इधर के होंगे और 10 फंदे इधर के, 20 फंदों को एक साथ घटाएंगे। 20 फंदे एक साथ यहाँ पर घटाएंगे, उसके बाद ये दोनों पार्ट को अलग अलग बुनते हैं। फिर पहले एक पार्ट बना लेते हैं, फिर दूसरे पार्ट को बनाएंगे। तो एक पार्ट को बनाते समय इस ओर से जिधर गले को घटाई हूँ गोल गले को, वहाँ पर शुरू में 8 फंदे को घटाएंगे और फिर से सीधी तरफ से 5 फंदे को घटाएंगे और फिर से 2 फंदे को। तो इस तरह से एक और पूरे 25 फंदे घटेंगे। और जब ये 25 फंदे ये घटने के बाद फिर इसे डिज़ाइन डालते हुए पूरा सीधा बुनकर मुड्ढे से 8 इंच की लंबाई पूरी करेंगे। इस ओर भी वैसे ही बुनेंगे, इधर भी उल्टे तरफ से गले को घटाएंगे। पहली बार में 8 फंदा, फिर 5 फंदा, फिर 2 फंदा और फिर इसे सीधा बुनकर यहाँ से 8 इंच तक मुट्ठे की लंबाई पूरी करेंगे। तो दोनों ओर से बिल्कुल एक जैसा फंदा घटेगा। एक बार फिर से फंदे को बता दूं, सबसे पहले दोनों ओर का 10-10 फंदा, 20 फंदा मतलब एक साथ घटेगा। फिर से दोनों ओर 8-8 फंदे घटाएंगे, फिर से 5-5 फंदे घटाएंगे और फिर से 2-2 फंदे घटाएंगे। तो पूरे 50 फंदे घट जाएंगे और यहाँ पर दोनों ओर 25-25 फंदे कंधे के होंगे। यहाँ पर इस कंधे के फंदों को भी उतार लेंगे और इस तरह से ये अगला पल्ला भी कंप्लीट है। ये स्वेटर की बाजू है, इस बाजू की पूरी लंबाई 21 इंच की है। इसे यहाँ पे बॉर्डर से नापते हुए इसे बिल्कुल यहाँ ऊपर तक जाएंगे तो इसकी लंबाई 21 इंच की आती है यहाँ तक की, जो तैयार होने के बाद थोड़ी कम हो जाती है। दोनों बाजू बिल्कुल एक तरीके से बनेगी। इस बाजू को यहाँ पर बॉर्डर से शुरू करते हैं, इसमें पूरे 50 फंदे डाले हैं। 50 फंदे इसमें डालने के बाद 22 पंक्तियों की बॉर्डर है, जैसा कि अगला और पिछले पल्ले में डाली हूँ। ये भी लगभग 3 इंच की बॉर्डर है 22 पंक्तियों की। इसे भी 2 सीधा और 2 उल्टे के क्रम में बनाई हूँ दोनों ओर से। ये बॉर्डर पूरी होने के बाद इसे यहाँ पर बढ़ाना शुरू करते हैं। हर चौथी पंक्ति में दोनों ओर से एक एक फंदा यहाँ पर बढ़ाएंगे। इस बाजू में यहाँ पे जोड़ लगी है, इसलिए फंदा दोनों ओर से बढ़ाते हैं और इसमें डिज़ाइन भी सेट की हूँ। इसमें डिज़ाइन की 3 पंक्तियाँ हैं,
एक इधर, एक बीच में और एक इस तरफ, और बाकी दोनों ओर ये सीधा गया है। बढ़ती हुई पंक्तियों में ये सीधा और उल्टा ही बनाई हूँ। ये डिज़ाइन बनने के बाद थोड़ी सिकुड़ती है, लेकिन पहनने में बहुत कंफर्टेबल है। इसे दोनों ओर से चार चौथी सिलाई में, हर चौथी सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाते हुए इसे ऊपर की ओर जाएंगे, और यहाँ तक 1 इंच पहले तक, यानी कि 20 इंच की लंबाई तक इसमें 105 फंदे पूरी की हूँ। 105 फंदे पूरे होने के बाद इसे दोनों ओर से तीन तीन फंदे घटाते हुए ऐसा 4 बार करते हैं। हर सिलाई में बुनते हुए शुरू में 3 फंदे घटाएंगे, फिर उस ओर से भी 3 फंदे घटाते हैं, और दोनों ओर से ये तीन तीन फंदे घटाते हुए ऐसा 4 बार घटाएंगे, और बाकी बचे फंदे को पूरा एक साथ फिर घटा लेते हैं, तो ये बाजू की शेप आती है। बाजू दूसरे बाजू को भी बिल्कुल इसी ढंग से बनाना है। इसकी डिज़ाइन भी बिल्कुल अगले पल्ले की तरह ही है। उस डिज़ाइन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देखकर उसे यहाँ पर सेट कर लें। स्वेटर का सारा पल्ला अलग अलग बनने के बाद सबसे पहले स्वेटर के एक तरफ के कंधे को जोड़ते हैं, और उसके बाद इस गोल गले की बॉर्डर को उठाना शुरू करेंगे। इसमें इस बॉर्डर को जैसे एक तरफ कंधे को जोड़ने के बाद एक तरफ से गोल गले के यहाँ पर फंदे को उठाना शुरू करते हैं, और इस ओर से उठाते हुए पीछे के भी सारे फंदे को चढ़ा लेंगे, और यहाँ तक इसे ले आएंगे। अभी दोनों पल्लों को नहीं जोड़ते हैं, पहले गले का बॉर्डर बना लेना लेने के बाद ही फिर स्वेटर की आगे की सिलाई करते हैं। इस स्वेटर में सारे फंदे को उठाकर पूरे यहाँ पर 20 सिलाई बॉर्डर इसकी बुनते हैं, 2 सीधा और 2 उल्टे के क्रम में। इस पूरे गले में 100 फंदे उठाई हूँ, क्योंकि इस गले को थोड़ा बोट नेक स्टाइल में मुझे रखना था। अगर आप चाहें तो इसे और छोटी कर सकते हैं। छोटी करने के लिए आप 100 की जगह इसमें 90 फंदे उठाएं तो भी ये ठीक रहेगी। 90 फंदों में पीछे यहाँ पर ये 50 फंदा है पीछे के पल्ले में, तो 50 फंदों को पीछे के पल्ले में नहीं रहने देते हैं, उसे थोड़ा कम कर लेते हैं। पीछे में यहाँ पर 30-35 फंदे रखते हैं, और बाकी के फंदों को आगे की ओर चढ़ा लेंगे। तो ये थोड़ी बोट नेक स्टाइल है, अगर आप चाहें तो इसे छोटी भी कर लें और फंदे को। ये 20 सिलाई बुनकर इस ढंग से ऊपर से सिलाई को निकाल लेते हैं, और फंदे को इस ढंग से खुला ही रहने देते हैं, और इसे किस ढंग से सिलेंगे ये आप देख लीजिए। पूरी स्वेटर सिलाई करने के बाद फिर गले के इस बॉर्डर को सिल लेते हैं,
बिल्कुल एक कंधे की एक छोर से इसे सिलना शुरू करेंगे। इसे बिल्कुल आधा मोड़ लेते हैं और जहाँ पर जो फंदा है, जैसे ये जो दो सीधा है, ठीक नीचे की ओर भी वहाँ पर इसे दोनों फंदों को सिल लेंगे। इस तरह से सिलते हुए पूरे गले को कंप्लीट करते हैं और ये लास्ट में अच्छी तरीके से धागे को बांध लेते हैं। इस स्वेटर का ये गला का बॉर्डर सिलने के बाद अब यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इसमें स्टिच कैसे करते हैं, स्वेटर की सिलाई कैसे करते हैं। सबसे पहले एक तरफ का ये कंधा जोड़ते हैं, उसके बाद कंधा जोड़ने के बाद इस ओर से गले का बॉर्डर उठाते हुए पहले ये गले का पूरा बॉर्डर बुन लेते हैं और फिर जैसे बताई हूँ उसे सिलना, वो सिलाई पूरे स्वेटर की सिलने के बाद करते हैं। पहले गले का बॉर्डर बना लेंगे। गले का बॉर्डर बनाने के बाद इधर का कंधा फिर जोड़ लेते हैं। कंधे को जोड़ने का तरीका भी मैं अलग से इसकी वीडियो बनाई हूँ, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कंधा जोड़ने के बाद फिर ये दोनों ओर स्वेटर का अगला और पिछला पल्ला जोड़ते हैं, ये मुड्डे के नीचे से ये नीचे बॉर्डर तक, एक ओर से इधर जोड़ते हैं और फिर उधर से भी दूसरी ओर मुड्डे से नीचे तक जोड़ते हैं। जब ये स्वेटर दोनों ओर जोड़ लेते हैं तो इन दोनों बाजुओं को पहले अलग से नीचे की ओर जोड़ लेते हैं, ये बॉर्डर से यहाँ तक पूरा इधर भी और इस बाजू में भी यहाँ पर जोड़कर फिर इन दोनों बाजुओं को राउंड शेप में इससे जोड़ते हैं, बिल्कुल गोलाई से जोड़ते हैं इसे। इस बाजू को कैसे जोड़ेंगे उसके वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, क्योंकि एक साथ इतने सारी बातों को बताना संभव नहीं होता एक ही वीडियो में, इसलिए मैं अलग अलग वीडियोस इनके बना के रखी हूँ। क्योंकि जब भी मैं स्वेटर्स बनाना बताती हूँ तो उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि बाजू कैसे जोड़ें, गले का बॉर्डर कैसे बनाएं राउंड नेक का, ये और स्वेटर की सिलाई कैसे करें, ये सब आप अलग से देख कर भी उसे सीख सकते हैं। ये बाजू जोड़ने के बाद पूरी स्वेटर की सिलाई कंप्लीट होती है, फिर ये गले का बॉर्डर भी सिल लेते हैं। इसे सिलना तो मैं इस वीडियो में भी बताई हूँ और इस ढंग से एक सुंदर सा प्यारा सा स्वेटर तैयार होता है। अगर सिलाई करते वक्त स्वेटर की फिनिशिंग अच्छी होती है तो वो स्वेटर देखने में भी काफ़ी अच्छी होती है और पहनने में भी कंफर्टेबल होती है। ख़ास करके ये बाजू की सिलाई काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मोटे तरीके से सिलेंगे तो ये काफ़ी चुभती है पहनने के बाद, इसलिए इन सब की वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप उसे अलग से भी देखकर सीख सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और मेरी नीटिंग वेबसाइट bunai.com पर ज़रूर विज़िट करें। उस पर मेरे सारे स्वेटर्स के पिक्चर्स दिए होते हैं। अगर आप किसी भी स्वेटर्स को बनवाना चाहें तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर दे सकते हैं। धन्यवाद।